हेलो राइडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज अपने सामने है KTM की ड्यूक 250, जो कि है थर्ड जनरेशन, जो कि KTM वालों ने हाल ही में लॉन्च की है। और जो अपने पास अभी बाइक है वो है एटलांटिक ब्लू कलर में, जो कि बहुत ही प्यारा ब्लू कलर इसका लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तीन कलर्स में आती है और एक इसका सिग्नेचर कलर है, वो आप देख सकते हैं अपने बगल में खड़ा है ऑरेंज। की बात करें आप देख सकते हैं गाइस, इसमें वेव की देखने को आपको मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब कंपनीज वेव की आपको दे रही हैं बाइक में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लुक की बात करें तो टोटल एकदम इन्होंने चेंज कर दिया है। और इसके फ्रंट लुक की बात करें और इसके फिट एंड फिनिश की बात करें तो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। जो गैप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें फिट एंड फिनिश आपको देखने को मिलेगा किया है उसका। जो आप देख सकते हैं 390 की तरह आपको देखने में लगेगी बाइक, बट इसमें 390 में यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलता है, इसमें वो चीज़ DRL देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा बस यही लुक में चेंज है, बाकी आप इसका और 390 का लुक अगर देखेंगे तो सेम होगा। तो गाइज, अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें वो आपको LED पे देखने को मिल जाते हैं, और जो कि बहुत ही प्यारे और क्यूट से इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो ये आपको 43 mm के आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि USD Fox अप एंड डाउन सस्पेंशन इसमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेजिंग देखने को मिलेगी, तो WFX के इसमें आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर नीचे बात करते हैं इसकी डिस्क की, तो आप देख सकते हैं डिस्क काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ह्यूज डिस्क इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 320 mm की आपको इसमें डिस्क देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी सी और काफ़ी ह्यूज आपको इसमें डिस्क देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ABS की प्लेट देखने को मिलेगी, तो ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है वेरियंट। और अगर इसके कैलिपर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें रेडियल माउंटिंग कैलिपर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया इसकी बाइट फोर्स है इस कैलिपर की, तो बहुत अच्छी आपको ब्रेकिंग मिलने वाली है। बहुत अच्छे से ये माउंट होता है, तो बहुत अच्छी आपको इसमें ब्रेकिंग मिलने वाली है। बट इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप ब्रेक पैड्स जल्दी जल्दी आपके घिसने वाले हैं, ख़त्म हो जाएंगे, इसका ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। बट ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करें आप देख सकते हैं 110/17/17 का आप उसमें टायर देखने को मिल जाता है। और आपका इसका रिम देख सकते हैं, जो कि ऑरेंज कलर में, जो इनका सिग्नेचर कलर है। रिम ज़्यादातर बाइकों में ऑरेंज ही होते हैं, तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके रिम का भी। तो अगर इसके मिडगार्ड की बात करें वो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, कलर काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी कलर है ये। तो अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो अगर आप साइड प्रोफाइल में बाइक को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बाइक लग रही है, बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रही है बाइक, काफ़ी छोटी सी बाइक लग रही है। तो गाइस, अगर इसके साइड पैनल की बात करें आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूक की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 250 का बैजिंग देखने को मिलेगा। और ये जो साइड पैनल है ये फाइबर का है, और इसका कलर आपको डार्क ब्लू देखने को मिलने वाला है। और टैंक की अगर बात करें आप टैंक पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लाइट ब्लू मिलेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा किया कंपनी ने, और काफ़ी प्यारी बाइक लग रही है। तो अगर बात करते हैं आपके स्विंग आर्म की, आपको दिख रहा होगा, आपको बाहरी दिख रहा होगा स्विंग आर्म इसका, तो ये साइड फ्रेम में स्विंग आर्म इंस्टॉल किया कंपनी ने, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका स्विंग आर्म देखने में। और ये भी स्विंग आर्म आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा, रियर स्विंग आर्म, जो कि 10 स्टेप आपको ये एडजस्टेबल मिलने वाला है, और ये भी WFX का आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं नीचे एग्जॉस्ट की, तो इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा, काफ़ी प्यारा सा एग्जॉस्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, अगर इसके इंजन की बात कर लें तो इसमें आपको देखने को मिलता है 249 cc का FI इंजन देखने को मिलता है, जो कि लिक्विड कूल आपको इंजन इसमें देखने को मिल जाएगा। सो अगर इसके इंजन की पावर की बात कर लें तो 30 hp आपको इसमें पावर देखने को मिलने वाला है। और इसके टॉर्क की बात करें तो 25 Nm टॉर्क इसमें देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी पावरफुल इंजन मिलने वाला है इस बाइक का आपको। और अगर इसके एवरेज की बात करें वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी क्लेम करती है इसका एवरेज माइलेज वो तकरीबन 30 kmph का आपको इसमें एवरेज मिलने वाला है इस बाइक का। सो अगर इसके फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं जो ओल्ड वाली, उससे थोड़ा सा फ्रेम इसका चेंज होने वाला है। आप देख सकते हैं लुक में काफ़ी चेंज लग रहा है इसका फ्रेम। और एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे इस बाइक में लगी, आप देख सकते हैं कूलेंट के लिए यहाँ पे आपको रिजर्व के लिए आपको कूलेंट का रिजर्व का बॉक्स आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले जो बाइक में आता था वो दूसरी तरफ आता था, तो वो थोड़ा गंदा लगता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने फिक्स कर दिया, तो आप यहाँ से कूलेंट आराम से डाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही आप देख सकते हैं लिक्विड कूल है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको इसमें रेडिएटर मिलने वाला है, तो आपकी बाइक अच्छे से कूल रहने वाली है, क्योंकि इंजन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टॉर्की इंजन होते हैं KTM के, तो आपको रेडिएटर भी आपको बड़ा चाहिए ताकि आपका इंजन कूल रहे। तो अगर बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि 240 mm की आपको उसमें डिस्क देखने को मिलने वाली है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है बाइक, तो आपको पीछे भी आपको एबीएस की पलेट आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल की आप देख सकते हैं, इसमें टायर आपको काफ़ी वाइड मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 150/60/17 का आपको इसमें टायर मिलने वाला है, तो काफ़ी वाइड और रेडियल टायर इसमें आपको मिलने वाला है। MRF का टायर आपको इसमें मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको टायर मिलने वाला है। और अगर रिम की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का रिम आपको देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर इसके स्विंगआर्म की भी अगर हम आपको बताएं, तो स्विंगआर्म आपको ओल्ड वाली से चेंज आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा काफ़ी यूनिक मिलने वाला है। जो आपको ऊपर देख सकते हैं फ्रेम, आप देख सकते हैं यहाँ आपको फ्रेम दिख रहा होगा गाइस, इस फ्रेम को सब फ्रेम बोलते हैं। ये पूरा चेसिस से कनेक्ट होता है पूरा, आप ये स्विंगआर्म और ये फ्रेम पूरा एक साथ इनबिल्ड है और ये चेसिस से पूरा कनेक्ट है, तो काफ़ी अच्छे से जो है आपकी गाड़ी बाइक के वाइब्रेशन भी कम होने वाले हैं इस बाइक के। और जो लुक है इसके स्विंगआर्म का आप देख सकते हैं कट वाला, तो काफ़ी अच्छा काफ़ी यूनिक लग रहा है। आप अगर बाइक को देखेंगे शोरूम पे, तो बाइक काफ़ी अच्छी आपको दिखने वाली है ओल्ड वाली से। अभी अब आपको हम ये भी बताएंगे कि कितने प्राइस में ये बाइक आ रही है, एक शोरूम प्राइस इसका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं रेयर सेक्शन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी टिल्टाइडी आपको देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं टिल्टाइडी, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी सी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे शार्क विंग्स होते हैं उस तरह के इसमें आपको विंग्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जो ओल्ड वाली है उसमें ऐसा नहीं था, वो एकदम सिंपल सी प्लेन टिल्टाइडी आपको देखने को मिलने वाली थी। तो अगर आप बात करते हैं पीछे इंडिकेटर्स की, वो भी आपको LED पे देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इंडिकेटर्स आपको मिलने वाले हैं। और तो टेल लाइट की अगर बात कर लें, आप देख सकते हैं टेल लाइट आपको देखने को मिलने वाली है। मैं भी अभी मैं आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ टेल लाइट, देख सकते हैं टेल लाइट काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारी सी टेल लाइट आपको मिलने वाली है, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये। आप जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये बीच वाली जो टेल लाइट है वो ऑन रहने वाली है, वो ऑन रहने वाली है। बट आप जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तब आप देख सकते हैं, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं जो नीचे जो LED है वो भी वो जल जाएंगे, तो वो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और ये DRL है और वो LED पे है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्यारी सी लग रही है इसकी टेल लाइट। तो अगर बात करते हैं अब इसके गैब्रेल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे गैब्रेल देखने को मिल जाएगा, जो कि स्प्लिट गैब्रेल है और बहुत ही प्यारे से और बहुत एजी आपको देखने को मिलने वाले हैं गैब्रेल। तो लुक के कंपैरिजन में मुझे नहीं लगता 250 उसके आसपास है ओल्ड वाली, बहुत ही प्यारा लुक इस बाइक का लग रहा है मुझे। तो अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिलने वाला है, और साथ ही आपको इसमें लेडीज़ फुटलेस भी मिलने वाला है। तो अगर फुटलेस की बात कर लें तो आप देख सकते हैं फुटरेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है फुटरेस, और ये रबर का फुटरेस है और बहुत ही प्यारा सा फुटरेस दिखने वाला है। और रेयर फुटरेस की बात करें, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फुटरेस मिलने वाला है आपको इसमें। और साथ ही अगर इसके गेयरबॉक्स की बात करें, तो आपको इसमें 6 ट्रांसमीटर गेयरबॉक्स मिलने वाला है, जैसा कि ओल्ड वाली में भी था, इसमें भी 6 ट्रांसमीटर गेयरबॉक्स आपको इसमें मिलने वाला है। और अगर साइड की प्रोफाइल की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ब्लू ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। और तो गाइस अगर इसके टैंक कैपेसिटी की बात कर लें, तो इसमें आपको 15 लीटर की काफ़ी ह्यूज टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। टैंक तो देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, बट एंड टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो और आप यहाँ देख सकते हैं आपको E20 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और टैंक पे आपको KTM के स्टिकर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप बात करें इसके हैंडल बार की, तो आपको इसमें स्ट्रेट वाला हैंडल बार आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्लस्टर की बात करूँ मैं, तो आप खुद आप देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा था। इसमें आपको TFT मिलने वाला है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, तो अभी इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके स्विच की, तो वो स्विच काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। जो ओल्ड वाली ड्यूक 250 थी, उनमें इस तरह के स्विच नहीं आते थे, तो ये स्विच जिस तरह ड्यूक 390 में आता है, उसी तरह के इसमें भी आपको स्विच मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 का आपको स्विच देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए सारे स्विच दिए गए हैं। साथ ही यहाँ देख सकते हैं आपको हाई बीम लो बीम का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। और अगर इधर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजन किल स्विच मिल जाएगा देखने को, और साथ ही नीचे आपको सेल्फ मिल जाएगा। तो स्विच की अगर क्वालिटी की बात करें, तो काफ़ी अच्छी स्विच की क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो अभी हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं आपको इसमें
फुल्ली एलईडी आपको इस पर देखने को मिलने वाली है, जो कि 5 इंच की काफ़ी बड़ी सी आपको इसमें एलईडी देखने को मिलने वाली है। इसमें विशन देखने को मिलती है, तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आरपीएम का इंडिकेटर आपको देखने को मिलने वाला है, और साथ ही यहाँ पे गियर इंडिकेटर आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही ये इसमें एक फीचर्स है आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ओडोमीटर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको फ्यूल गेज आपको इसमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट दिख रही होगी यहाँ ABS की, और यहाँ पे गियर शिफ्टिंग की लाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ इंजन लाइट मिल जाएगी, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है। तो अगर आप बात करें, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ से इसका इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल होता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, आपको पूरा मेन्यू आ जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। आप देख सकते हैं ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं तो आप इसका ABS ऑफ कर सकते हैं, अगर कोई स्टंट करना चाहते हैं तो आप इसका ABS ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा इस बाइक में आता है। तो और मैं आपको दिखा दूं, इसमें आप देख सकते हैं बाइक इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इंजन टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलने वाला है, रेंज, बैटरी वोल्टेज और ओडोमीटर, और देख सकते हैं सर्विस का भी आपको इसमें डिस्टेंस, डेट और सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। और यहाँ से आप बाइक अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ट्रिप इंफॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, और ऑडियो प्लेयर भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। और गाइस नीचे देखें, सेटिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बताना एक चीज़ भूल गया, इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी आपको देखने को मिल रहा है, इस बाइक में क्विक शिफ्टर की भी आपको सेटिंग देखने को मिलने वाली है, अप एंड डाउन। और इसकी सेटिंग में जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आप देख सकते हैं आप जैसे अंदर जाएंगे और उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली है, सेटिंग लाइट और बहुत सारी चीज़ें, आपको डेट, टाइम, क्लॉक आप चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। और साथ तो अभी आपको इसका हम साउंड सुनाएंगे, तो आपको साउंड कैसा है की बात करें, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थ्रो होने वाला है हेडलाइट का भी, और बस DRL नहीं है, बाकी एकदम सेम 390 ये लगती है। अगर आप मॉडिफाई करके इसमें DRL लगा लें 390 का, तो कोई तो एकदम सेम 390 ये लगने वाली है। अभी आपको हम इसका सुनाएंगे साउंड, किसका साउंड कैसा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक को और आपको सुनाते हैं इसका साउंड। तो भाई का साउंड सुन सकते हैं, अभी ये बाइक आइडियल पे खड़ी है, साउंड सुना आइडियल पे, साउंड काफी अच्छा, काफी बेसिस का साउंड आ रहा है। और ओवरऑल अगर बाइक की बात करें गाइस, तो बाइक काफी अच्छी लगी मुझे, और आप आके बाइक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। कलर मुझे काफ़ी पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी यूनिक सा कलर आपको देखने में लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा कलर साथ में यहाँ कलर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आप ये देख सकते हैं ऑरेंज और ग्रे, तो आप ये भी आके देख सकते हैं। और ये कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एटलांटिक ब्लू। और अगर बाइक की बाइक भी काफ़ी अच्छी लगी है, तो जितना हो सका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी बाइक के बारे में। सो गाइज अगर इसके प्राइस की बात कर लें, तो ये आपको एक शोरूम 2,41,000 की आपको एक शोरूम पड़ने वाली है बाइक, और इस प्राइस रेट में आपको बहुत सारे फीचर्स में मिल रहे हैं, और बहुत ही लुक्स की बात करें अगर, लुक काफ़ी अच्छा मिलने वाला है बाइक का। बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो अगर आपको बाइक की टेस्ट राइड लेनी है तो आप जिस शोरूम पे मैं हूँ इस शोरूम पे आप आ सकते हैं, ये KTM चौक में पड़ता है, उस शोरूम पर मैं ये बाइक अवेलेबल है और ये कलर यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप आके देख सकते हैं और बाइक की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इन वीडियो के साथ आपका भाई मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रहिए अपने चैनल पे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।